दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा ये क्रिकेटर रातों रात स्टार बन गया, पर क्या ये सब रातों रात होता है? और फिर गोवा के एक छोटे से कस्बे का ये लड़का अपने डेब्यू मैच में ही रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की शान बन गया। युवराज सिंह को अपना हीरो मानने वाला 25 साल का ये इंडियन राइजिंग स्टार क्रिकेटर सुयश प्रभु देसाई, जिसने 10 साल की उम्र से ही विराट कोहली के अंदाज में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और फिर पिछले 15 साल में तगड़ा स्ट्रगल किया, मगर अपने खेल पर भरोसा रखने वाला ये प्लेयर कभी नहीं झुका और 2022 IPL में अपने पहले ही मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के विरुद्ध 18 बॉल में 34 रन बनाकर किया। ये तो मात्र एक शुरुआत है और फिर तुम देखते जाना, इस ग्रेट फिनिशर का असली खेल अभी शेष है। 1997 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने वाले सुयश प्रभु IPL खेलने वाले गोवा के चौथे ऐसे इंडियन क्रिकेटर हैं जिसने अपना क्रिकेट करियर बनाने के लिए बचपन से ही क्रिकेट को एक अपॉर्चुनिटी समझा और स्कूलिंग से ही 10-10 घंटे अपने गेम पर फोकस कर ग्रेजुएशन के दौरान स्टेट लेवल क्रिकेट में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर लाइम लाइट में आए, तभी से उनका क्रिकेट राइज पर है। सुयश प्रभु ने 2017 विजय जैरन ट्रॉफी में गोवा के लिए लिस्ट ए क्रिकेट की शुरुआत कर छोटी छोटी मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर दाएं हाथ के इस बैटिंग ऑलराउंडर ने अपना डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट किया और फिर 2018 में रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत कर कोच स्वप्निल असलोदकर के साथ साथ सेलेक्टर्स को इम्प्रेस करने में सफल रहे, जिन्हें बहुत जल्द 2019 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सिक्किम के विरुद्ध उन्हें 20-20 डेब्यू करने का अवसर मिला, जहां इस क्रिकेटर ने राजस्थान के विरुद्ध 23 बॉल में 35 रन और मध्य प्रदेश के विरुद्ध मैच में 200 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 48 रन बनाकर अपनी टीम को जीत में मदद करके टूर्नामेंट के 22 मैचों में 148 की स्ट्राइक रेट से 443 रन बनाकर क्रिकेट खेलने की भूख और अपने गेम की स्ट्रेटजी से अपने खेल से करोड़ों क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया और फिर 2021 सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु के विरुद्ध 24 बॉल में नाबाद 43 रन बनाकर बैटिंग के साथ साथ अपनी इन स्विंग और आउट स्विंग विकेट टेकिंग किफायती बॉलिंग से सिलेक्टर्स को तगड़ा इम्प्रेस किया, जिन्हें 2021 IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पूरे 20 लाख में खरीद लिया मगर खेलने का अवसर नहीं मिला और फिर 2022 IPL मेगा ऑक्शन के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इस राइजिंग स्टार क्रिकेटर को एक बार फिर प्रमोट करते हुए 30 लाख में खरीद लिया, जिसने अपने प्रैक्टिस मैच में 46 बॉल में 87 रन और फिर अपने डेब्यू मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के विरुद्ध 18 बॉल में 34 रन बनाकर साबित किया ये तो मात्र एक शुरुआत है और फिर तुम देखते जाना, सुयश प्रभु का असली क्रिकेट अभी बाकी है। दोस्तों सुयश प्रभु का पिछले 15 साल से कंटिन्यू स्ट्रगल, डेडिकेशन और हार्डवर्क हमें यही सिखाता है, अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि काबिल बनने के लिए आगे बढ़ो, एक्सीलेंस का पीछा करो कामयाबी झक मार के आएगी और फिर जब आप डीपली सोचोगे और महसूस करोगे तब समझ आएगा कामयाबी कभी चल के नहीं आती, कामयाबी तक पहुंचना पड़ता है, जिसका काबिलियत एकमात्र रास्ता है, जिसे सुयश प्रभु ने अपने विजन के साथ बचपन से ही अपनाया और स्कूलिंग क्रिकेट से IPL तक पहुंच गया। दोस्तों अगर सुयश प्रभु ये सब कर सकता है तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं जो आप ना कर सको। तो ये थे सुयश प्रभु देसाई। अगर आप सुयश प्रभु के फैन है तो इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।